नमस्कार जी, मैं झांसी से मंजू। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आज मैं आपसे क्रोटोन प्लांट के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, मैंने 12 मई को क्रोटोन प्लांट के बारे में एक वीडियो बना के आपको दिखाया था कि क्रोटोन प्लांट को कैसे ग्रो करना है। तो सेम डे मैंने क्रोटोन की पत्तियाँ, जैसे ये कुछ इस तरह से गमले में ये लगा दी थी, साइड में लगा दी थी ये 2 पत्तियाँ। तो दोस्तों, आज मैंने वो निकाल के देखी पत्ती, तो उसमें रूट्स आ गई हैं। और बिना रूटिंग हार्मोन्स को यूज़ किए ही उस क्रोटोन पत्ती में रूट्स आ गई हैं। तो आज तक ये देखिए, आज तक मैंने कभी भी रूटिंग हार्मोन्स यूज़ नहीं किया, और बिना उसके ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये आप देख रहे हैं ये पत्ती, ये। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि गर्मियों के मौसम में किसी भी तरह की अगर हम कटिंग लगाते हैं, चाहे तो ये लीफ कटिंग, चाहे तो स्टेम कटिंग, तो उनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं रहते हैं, तो रूट्स नहीं बनती हैं। तो दोस्तों, मैंने 2 वीडियोस आपको और भी बना के दिखाए, एलोवेरा का भी दिखाया। उसमें भी मेरी जो कटिंग थी तो उसमें रूट्स आ गई। और एक मैंने स्नेक प्लांट के भी मैंने उसकी कटिंग, लीफ की कटिंग लगाई थी, उसमें भी रूट्स आ गई। तो वो भी मैंने आपको वीडियो बना के उसका दिखाया। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि चलो, गर्मियों में अगर हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो भी हमें ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि हमें कुछ करना नहीं है। अगर हमारा मन कुछ करने का है तो हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया, बल्कि मुझे होप नहीं थी कि रूट्स बनेंगी, पर फिर भी मुझे उनमें 100% सक्सेस मिली। तो दोस्तों, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो अब मेरे पास कोई पॉट तो खाली था नहीं, ये एक पेंट का डिब्बा डिब्बा है, तो मैंने इसी में मिट्टी भर दी और इसके नीचे कुछ इस तरह से होल कर दिया है। ये चाकू को गर्म करके इस तरह से होल कर दिया ड्रेनेज के लिए। और बाकी फिर उसके बाद मैंने इसमें कपड़ा लगाया और इस डिब्बे के बीच में कपड़ा डाल दिया, और कपड़ा डालने के बाद कुछ पत्थर रख दिए और फिर मिट्टी से भर दिया। तो दोस्तों, ये अब इसको लगाना कैसे है? हाँ, पहले मैं ये बताऊं कि मैंने इस पे इसमें कपड़ा क्यों लगाया। कपड़ा लगाने का मेरा ये रीज़न है कि जब पानी हम इसमें देते हैं तो ओवर वाटरिंग हो जाता है, तो जो ज़्यादा पानी है तो वो नीचे से निकल आएगा और मिट्टी साथ में नहीं आएगी, क्योंकि कपड़ा लगाने से जो पानी है वो फिल्टर होके आता है और मिट्टी अंदर ही पॉट में रह जाती है, और मिट्टी हमारी फिर सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों, अब इस प्लांट को लगाना कैसे है? तो ये पेन की मदद से मैं इसमें ऐसे होल कर रही हूँ सेंटर में, ये कुछ इस तरह से ये मैंने होल कर लिया इसमें, ये देख रहे हैं ये। और फिर मैंने ये इस ये पत्ती, ये देखिए, ये जो इसकी रूट्स हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, इनको बड़े ही आराम से, ताकि ये खराब ना हो, ये बड़े ही आराम से इस होल में ऐसे रख देंगे। ऐसे रख दिया और इसको आराम से ऐसे दबा देंगे, ऐसे मिट्टी में ये दबा दिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को डाल के मेरे पूरे 50 वीडियोस पूरे हो जाएंगे। तो मेरी एक जर्मनी की फ्रेंड है,
तो शुरू में उन्होंने मुझे जो कमेंट किए थे तो उनके लिए बहुत बहुत उनका थैंक्स, और उनसे जो फीडबैक मुझे मिला तो उसी के ही कारण मेरे ये 50 जो वीडियोस हैं मैं कंप्लीट कर पाई हूँ। और अगर इसी तरह से आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा तो मैं आगे और भी आपके लिए काम करूँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जर्मनी वाली फ्रेंड जब मेरा ये वीडियो देखे तो उनको मेरी हेलो और फिर मेरा थैंक्स, जो उन्होंने मुझे शुरू शुरू में जो कमेंट्स किए थे तो वो कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो यही रीज़न है कि मेरे इस वीडियो को डाल के 50 वीडियोस बन जाएंगे। ये लीजिए, ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हमने इसको दबा दिया और उसके बाद हमने इसमें ये पानी दे दिया, ये पानी दे दिया। तो दोस्तों, अभी इसमें ये मैं दिखाऊंगी आपको, जब ये प्लांट इसका बनेगा ये इसमें से नई पत्तियां आएंगी और ये नया प्लांट आएगा जब, तो मैं भी आपको इसको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये लग गया हमारा नया क्रोटोन का प्लांट। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा और आप ये सब ज़रूर करेंगे। और अगर रूटिंग हार्मोन्स आप, मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ, तो उसकी जगह आप अगर बाज़ार से ना लेना चाहें तो आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो बिना रूटिंग हार्मोन्स के ही, ये देखिए कैसे पत्ती से ये प्लांट तैयार कर दिया, ये देखिए। तो ये रहा मेरा क्रोटोन का प्लांट। ठीक है दोस्तों, फिर अगली बारी मैं आपसे किसी नए प्लांट के बारे में बात करूँगी। होप करती हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप फिर लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी मुझे ज़रूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि जो मैं नया वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।